ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون और अगर हम चाहें तो उनकी जगह पर उनकी सूरतें बदल दें, फिर वहां से न आगे जा सकें और न पीछे लौट सकें। وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे खलकत में औंधा कर देते हैं, तो क्या ये समझते नहीं। وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ और हमने उन पैगंबर को शेर गोई नहीं सिखाई और ना वो उनको शाया है, ये तो महज नसीहत और साफ साफ कुरान पर अज हिकमत है। لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो हिदायत का रास्ता दिखाए और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने उनके लिए चार पाए पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं। وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ और उनको उनके काबू में कर दिया तो कोई तो उनमें से उनकी सवारी है और किसी को ये खाते हैं। وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ और उनमें उनके लिए और फायदे और पीने की चीजें हैं, तो क्या ये शुक्र नहीं करते। وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ और उन्होंने खुदा के सिवा और माबूद बना लिए हैं कि शायद उनसे उनको फायदा पहुंचे। لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ मगर वो उनकी मदद की हरगिज ताकत नहीं रखते और वो उनकी फौज होकर हाजिर किए जाएंगे। فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ तो उनकी बातें तुम्हें गमनाक न कर दें, ये जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं हमें सब मालूम है। أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुतफे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा। وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया, कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो उनको कौन जिंदा करेगा। قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ कह दो कि उनको वो जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया था और वो सब किस्म का पैदा करना जानता है। الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उनसे आग निकालते हो। أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि उनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं, और वो तो बड़ा पैदा करने वाला और इल्म वाला है। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून
उसकी शान यह है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون। वो जात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है।